कांग्रेस एमपी द्वारा देश विभाजन की मांग पर बीजेपी का पलटवार, संसदीय आचार समिति करेगी कार्रवाई। मित्रों, मैं उनको एक मिनट भी एमपी रहने का अधिकार नहीं है, ये बात तो मैं भी अलग से बोलूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उनके सांसद जो उनके प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं, वो भारत तोड़ने की बात कर। गुरुवार को अंतरिम बजट पेश होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक से कांग्रेस एमपी डीके सुरेश ने साउथ इंडिया को अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर डाली। एक सांसद होने के नाते और दूसरा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई होने के नाते ऐसा देश विरोधी बयान चौंकाने वाला था, जिसे लेकर शुक्रवार को बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी कांग्रेस नेतृत्व से एमपी पर कार्रवाई करने और माफी मांगने की मांग कर रही है और रोज संविधान की दुहाई देते हैं रोज। और आज उनके एक वरिष्ठ सांसद, जरा शांत रहे पीछे कैमरा, वरिष्ठ सांसद जो एक प्रकार से कर्नाटक के मजबूत स्तंभ हैं, इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ कर्नाटका कांग्रेस, वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक को अलग राष्ट्र बनाया जाए, तो क्या राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर चली आएगी? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मामले को पहले लोकसभा में उठाया और लोकसभा अध्यक्ष से इस केस में संसदीय आचार समिति से कार्रवाई करने की मांग भी की। सर, मैं कल कांग्रेस के एक सदस्य, इस सदन के एक सदस्य और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री का भाई भी है श्री डीके सुरेश, मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट देते हुए देश का विभाजन का बात की है। तो इस रेवेन्यू और बजट अलोकेशन का झूठा बेस बनाते हुए देश का विभाजन का जो बात उन्होंने जो की है, मैं घोर निंदा करता हूं और खंडन करता हूं। इस एक कांग्रेस का नेता ने संविधान का भी अपमान किया है। देश का विभाजन लेकर कांग्रेस का ये परंपरा अभी भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी इस विषय में मैं मांगता हूं स्पष्टीकरण करना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए और संविधान का जो आशय था है ये घोर अपमान किया है। मैं अध्यक्ष से मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस मामले को जिस संविधान के ऊपर उन्होंने और हम सब लोगों ने शपथ लेते हैं, उस संविधान का अपमान किया है, घोर अपमान किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया इस विषय को एथिक्स कमिटी में भेजिए। और मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं कि आपका रुख क्या है, इसमें आपका रवैया क्या है, आप उसके इस स्टेटमेंट के साथ है? अगर साथ नहीं है तो मैं कांग्रेस में मांगता हूं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसके साथ जिन्होंने अपमान किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और कांग्रेस इसके बारे में माफी मांगना चाहिए। देश तोड़ने का बात जो है ये कभी भी देश स्वीकारता नहीं जी। दक्षिण भारत के एक सेपरेट देश के मांग उन्होंने किया है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, मैं भी दक्षिण भारत से आता हूं, जयशंकर जी भी इधर बैठे हुए दक्षिण भारत से आता है, हम भारत के अखंडता में पूरा निष्ठा रखते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है, पूरा देश एक है ये तो हम मानते हैं। और इसलिए मैं सोनिया गांधी जी से मैं मांग करता हूं, वो माफी मांगना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और बार बार मैं आपको यही आग्रह करता हूं, ये जो शपथ लिया है, शपथ का उल्लंघन हुआ है, इसके कारण शपथ का उल्लंघन है जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रचित संविधान के
ऊपर हमने जो शपथ लेते हैं उस शपथ का अपमान किया है, एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर का भी अपमान किया है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एथिक्स कमिटी को भेजिए। और दूसरी बात, कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूँ, बालू जी आप क्यों उठ गए हैं? मैं कांग्रेस के ऊपर आग्रह करना चाहता हूँ, उसके ऊपर एक्शन ले जाइए, एक्शन लेना चाहिए। आप अगर एक्शन नहीं लेते हैं, देश ये मानते हैं, आप भी देश टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, ऐसे देश मानते हैं। तो इसीलिए मैं सोनिया गांधी जी से मैं आग्रहपूर्वक मैं डिमांड रखता हूँ, एक्शन लिया जाए और माफी मांगना चाहिए, ये मेरा आग्रह है सर। गौरतलब है कि बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके सुरेश ने कहा था कि केंद्र दक्षिण भारत के राज्यों को टैक्स का उचित शेयर नहीं देता, दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है, साउथ से टैक्स लेकर उत्तर भारत में बांटा जाता है, अगर ये जारी रहता है तो दक्षिण को अलग राष्ट्र बनाने की मांग उठेगी। हद तो तब हो गई जब एमपी डीके सुरेश के भाई और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने देश विभाजन वाले बयान की निंदा करने के बजाय उसका समर्थन किया। कांग्रेसी डिप्टी सीएम ने कहा कि डीके सुरेश ने साउथ इंडिया का दर्द बयां किया है, सुनिए उनका बयान। मिस्टर सुरेश और एनी अदर लीडर एचके पाटिल और एनी अदर लीडर मेट स्पोकन दैट द पेन ऑफ साउथ इंडिया, सी देयर शुड बी अ बैलेंस, द एंटायर कंट्री इज वन, यू कांट ओनली लुक एट द हिंदी बेल्ट, यू हैव टू लुक एट द एंटायर कंट्री। सो इन दिस बजट देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ financial sector, though Karnataka has been giving lot of revenue to the center, I think I don't see any, not even last year also at least something was been given, still not has been delivered. For example, for education itself, the about 5,200 crores was been allotted and not even a single rupee has been released. And entire South India, there is no major announcement which has been done. So we all feel that we have been let down. But as a party president, the entire country is one, we are Indians, there is no question, India should be united, there is no question of asking any region wise. डीके सुरेश के इस बयान के पीछे भले ही कर्नाटक में वोटों की राजनीति हो, लेकिन देश भर में ये बयान कांग्रेस को फायदे के विपरीत भारी नुकसान ही पहुंचाएगा। कांग्रेस को समझ आए या ना आए, लेकिन बीजेपी इसको अच्छे से जानती है, लिहाजा इस मुद्दे पर जमकर पलटवार कर रही है।